वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मुझे लगता है सबसे पहला मैं मुरजी भाई पटेल जो हमारे नगर सेवक है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा गणेश भक्तों के लिए मंडलों के लिए मूर्ति देना, मूर्ति के साथ जो सामान पूजा अर्चा का सब लगता है वो देने का एक अच्छा काम वो कर रहे, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी माध्यम से मंडलों से समन्वय होते हुए गणेश भक्तों को यह कोविड संकट काल में मदद राहत भी देने दिलाने का काम इसी माध्यम से होता है। 144 का नोटिस कितना 144 का नोटिस, अभी ये सरकार तो मंदिर बंद करने जा रहे है, हमारे जो भगवान है उनको ताले में रख रहे हैं, तो अभी ये भी हमारे जो उत्सव है हिंदू त्यौहार के वो उत्सव में इसी तरह बाधा लाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। एक तरफ रेस्टोरेंट बार चालू है, डांस बार चालू है, मॉल चालू है, बड़े बड़े मेले पार्टियों के राजनीतिक चालू है, और इसी वक्त हमारे दहीहंडी रहे, गणेशोत्सव रहे, जो जो उत्सव है वो उनके ऊपर इसी तरह से नोटिस भेजना, निर्बंध लगाना, मुझे लगता है यह उचित नहीं है। और मुरजी पटेल सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बोल 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 बोल, अरे बोलो बोलो, इनिशिएटिव बदल दे, भाव बोल लेते हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। मूर्ति और जो है सामान दे रहे सर, इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या कहना चाहेंगे सर? अभी एक तो लॉकडाउन कोरोना की महामारी की वजह से मंडलों को आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अंधेरी पूर्व है हमारा एक परिवार है और लगभग 350 मंडल पिछले कई सालों से हमारे संपर्क में हैं, तो इस बार हमने मंडलों के साथ मीटिंग करके ऐसा तय किया गया साल कि हम पूरे अंधेरी पूर्व के मंडल को मूर्ति और पूजा की सामग्री 11 दिन की ऐसा देने का हमने तय किया, और ये तीसरा साल है जो हम पूरे अंधेरी के मंडल को हम कोशिश कर रहे हैं कि सब तक पहुँचे। और इतने सारे मंडलों को एक साथ एकत्रित करना और उनको मूर्तियां डिस्ट्रीब्यूट करना कितना चैलेंजिंग था, और क्या उन्होंने खुद मूर्तियां चूज किए या फिर कैसे ये प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। अंधेरी के मूर्तिकार जो अंधेरी में मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं उनसे हमने संपर्क किया, तो अंधेरी के मूर्तिकारों ने यहाँ 100 गणपति की मूर्तियाँ अपने यहाँ रखी और सारे मंडल को एक डेट दिया गया, वहाँ तक वो मूर्ति का चॉइस उनको करना। सब मंडल यहाँ पे आए, उन्होंने अपने अपने बापा की मूर्ति चॉइस की, वही हिसाब से हमको सब मंडल को हम लोग दे रहे हैं। सर, आज से जो है 144 इंपोज हो गया है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है? मैं इतना बताता हूँ, गणपति बापा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोरोना काल से हमको बाहर निकाले, और मंडलों को भी हमने बताया है कि कोरोना का पूरा पालन करके ही हमको उत्सव साजरा करना। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मूर्ति पटेल साहब ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप लोग किस तरह से सपोर्ट दे रहे? ऐसा है कि मुरजी भाई पटेल जी हमारे इस अंधेरी परिवार का एक मुखिया है,
और इन्होंने 2007 से एक परिवार की तरह पाला है, जैसे बाप ने बेटे को पालता है, चाहे वो खेल कूद का हो, संस्कृत हो, शिक्षण का हो, या आपका विद्यालय का हो, एडमिशन का हो, फीस का हो, या बीमारी का हो। अभी आप लोग को तो पता ही होगा, इन्होंने 35 ऑक्सीजन पूरे अंधेरी में 35 ऑक्सीजन इन्होंने ला करके दिया, 230 और चेयर भी था ना सर, चेयर अपंगों के लिए चेयर। और बता रहा हूँ आपसे कि इन्होंने शायद, हमको समझता हूँ विष्णु भगवान भी उतना कम सोते हो सोते होंगे जितना ये सोते हैं। इनके मुंह पे प्रशंसा करना वो तो लोग सोचेंगे कि सुपारसी कर रहे हैं, लेकिन आप चैनलों के सामने इसलिए कर रहा हूँ कि मैसेज जाए। इन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 3 बजे तक तो परिवार में घूमते रहते हैं। इसके बाद भी अगर कोई संकट किसी को हो गया, फोन गया, तो तुरंत जिस स्थिति में रहते हैं भाग के आते हैं, चाहे जिस स्थिति में रहते हैं। इतना करना, शायद मैं तो, मेरा भी उम्र 52 हो गया, इनके साथ हमने 87 से हमारा इनका एक साथ है। हमको गुरुजी कहते हैं, लेकिन इनका ये तो एक वो है, सम्मान देते हैं, गुरुजी मैं हूँ भी, ब्राह्मण हूँ, शुक्ला हूँ, वाराणसी का हूँ, और हम लोग एक साथ खा करके गुरुजी भाई ने जो कार्य किया है 2007 से, शायद हम तो समझता हूँ कि अशोक चौहान साहब रहे होंगे, विलासराव देशमुख साहब रहे होंगे, और तमाम लोग यशवंत चौहान जी रहे होंगे, नाई मंत्री सुधाकर राव नाइक जी रहे होंगे, शायद कोई काम किया होगा जितना इन्होंने इस अंधेरी विधानसभा के लिए किए हैं।